हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। और जितने भी अब तक हम प्रैक्टिकल के वाइवा डिस्कस कर चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर की। और आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोसीजर है इसका, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा कि ये किस तरीके से करते हैं। और फ्यूचर में अगर हम इसकी कोई थ्योरी डिस्कस करें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट अगर कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। द मैग्नेटिक फील्ड एफ एट एनी पॉइंट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ रेडियस आर इज गिवन बाय फॉर्मूला एफ इक्वल टू 2 पाई एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 10 r² + x² / 3/2। तो जैसे जैसे रेडियस चेंज होती है या जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती है सेंटर से सर्कुलर कॉइल के, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। वेयर एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो सर्कुलर कॉइल से उसमें कितने टर्न्स हैं, कितने वायर्स से राउंड हुए हुए हैं और आई कितना करंट हमने फ्लो कराया है कॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट What is the nature of magnetic material of a circular coil? The coil is made up of insulated copper wire wound on a circular frame of non-magnetic material. तो उस तरीके से ऐसे बाउंड करके हम apparatus फॉर्म करते हैं या सर्कुलर कॉइल फॉर्म करते हैं। What is the direction of field at point on the axis of coil? Direction of field is along the axis of coil. एक्सिस के अलॉन्ग जो है फील्ड की डायरेक्शन होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल? तो सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इफ द करंट इन द फेस ऑफ कॉइल फेसिंग ऑब्जर्वर फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट फेसेस अटेंड साउथ पोलरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कन्वर्सली इफ द करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द फेस फेसिंग ऑब्जर्वर देन द फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रैक्टिकली यूटिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल? तो आंसर है, द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस डी एफ अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट द प्रॉपर्टी हैज बीन यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्मोज गैलोमीटर। अब हेल्मोज गैलोमीटर क्या होता है? हेल्मोज गैलोमीटर देखिए फिगर सामने है आपके, तो एक क्वाइल की जगह इसमें दो क्वाइल हो जाती हैं। तो व्हाट इज हेल्मोज गैलोमीटर? हेल्मोज गैलोमीटर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेंजेंट गैलोमीटर। तो टेंजेंट गैलोमीटर कौन सा है? जो स्टुअर्ट गी टाइप गैलोमीटर हम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में यूज करें जिसमें सिर्फ एक कॉइल थी सर्कुलर, ठीक है, उसको टेंजेंट गैलोमीटर या स्टुअर्ट गी टाइप गैलोमीटर कहते हैं। और जब ये टू सर्कुलर कॉइल्स हो जाती हैं तो यहाँ पे हेल्मोज गैलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो हेल्मोज गैलोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेंजेंट गैलोमीटर इन विच टू आइडेंटिकल वर्टिकल फ्लैट सर्कुलर कॉइल प्लेस को एक्सली एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ आइदर कॉइल नियर द पॉइंट ऑफ कॉमन एक्सिस मिड वे बिटवीन दैम मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी नियरली कॉन्स्टेंट ओवर एप्लीकेबल अप्रिशिएबल रीजन देयर फोर मैग्नेटिक निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास बॉक्स प्लेस मिड वे बिटवीन टू कॉइल्स रोटेट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। Due to this reason, Helmholtz galvanometer is more sensitive than tangent galvanometer. तो ये क्या है? More sensitive हो जाता है और बहुत accurate result देता है in comparison to tangent galvanometer. इसलिए कई बार हम इसको use कर लेते हैं। चलिए तो next question पे आ जाते हैं। Advantages क्या हैं अब इसके? What are the advantages of Helmholtz galvanometer ओवर द ऑर्डनरी टेंजेंट गैलोमीटर? जो टेंजेंट गैलोमीटर एक कॉइल वाला हम यूज करते हैं उसकी कंपेरिजन में जो हेल्मोज गैलोमीटर है जिसमें दो कॉइल है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं?
Helmholtz galvanometer is superior than tangent galvanometer due to following reason. In ordinary tangent galvanometer, field is uniform only at the center of coil, while in Helmholtz galvanometer, the resultant field in entire region between two coils is almost uniform. For a coil of a same radius, for a same number of turns, the reduction factor of Helmholtz galvanometer is less than the tangent galvanometer, hence sensitivity of Helmholtz galvanometer is more than tangent galvanometer. For the same current, Helmholtz galvanometer produces greater resultant field and hence greater deflection. Therefore, Helmholtz galvanometer is superior, more sensitive and accurate than tangent galvanometer. Next question है, why Helmholtz galvanometer is more accurate than tangent galvanometer? अभी बताया भी था थोड़ा सा, because due to wide range of uniform magnetic field, tangent law is more strictly followed in Helmholtz galvanometer than tangent galvanometer. तो जो tangent law है वो Helmholtz जो galvanometer है उसमें strictly follow हो जाता है, जबकि वो tangent galvanometer में उस तरीके से follow नहीं हो पाता है. तो फिर question यही आएगा. Next question करते हैं. Next question है, what is magnetic meridian? The vertical plane passing through the axis of freely suspended magnet. अगर हम magnet को suspend कर लें तो उसके जो axis के through vertical plane होगा उसको हम magnetic meridian कहते हैं. It's called magnetic meridian. What is tangent law? अभी हम पीछे बोल रहे थे कि tangent law applicable होता है अच्छे से Helmholtz galvanometer में in comparison to tangent galvanometer or Stuart Gee type galvanometer. तो tangent law है क्या? In two mutually perpendicular uniform magnetic fields, F and H, a magnetic needle is equilibrium, makes angle theta with horizontal component of Earth magnetic field H, such that F equal to H tan theta. This is called tangent law. F equal to H tan theta, अगर ये form कर रहा है हमारा F और H के बीच में, तो इसको हम tangent law कहते हैं, F और H के बीच में. Next question है, why is it necessary to set the plane of coils in magnetic meridian? To make the magnetic field F produced by circular coil at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field, or fulfilling the condition of tangent law, setting the plane of coil in magnetic meridian. तो जरूरी है क्योंकि हम उसको जो है tangent law के according उसको set करना चाहते हैं. तो वो condition तभी satisfy होंगी जब हम उसको magnetic meridian के according सेट करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग लॉन्ग पॉइंटर इन ऑर्डर टू मेजर अ स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल इन टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्यूरेटली? द सर्कुलर स्केल हैज टू बी मेड लार्ज एंड लॉन्ग पॉइंटर हैज टू बी प्रोवाइडेड. द पॉइंटर शुड बी मेड ऑफ लाइट एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल लाइक एल्यूमिनियम. तो जो हम पॉइंटर यूज करते हैं इसलिए हम लॉन्ग यूज करते हैं जिससे जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है स्मॉल डिफ्लेक्शन को भी वो सही से पता लग जाए. तो लार्ज मैग्नेटिक जो हम यूज करते हैं नीडल पॉइंटर लार्ज होता है लॉन्ग होता है. वाई इज द मिरर प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द बॉक्स? Mirror at the base of the box, compass box is provided for measuring correct deflection of a magnetic needle by removing parallax between pointer and its image. What is the use of communicator in experiment? Four way जो key होती है उसको communicator बोलते हैं. उसका क्या use होता है? Communicator is used to reverse the direction of a current in an electric circuit. तो एक बार हम पॉजिटिव या फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट करते हैं फिर कीज को निकाल के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो फिर वो रिवर्स करंट हो जाता है. तो एक बार फॉरवर्ड करंट में रीडिंग नोट करते हैं एक बार रिवर्स करंट में रीडिंग नोट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज लैग्रांजी सेल फॉर ड्रॉइंग द करंट इन योर एक्सपेरिमेंट? अभी हम यहाँ पे सर्किट यूज करें क्या उसकी जगह हम लैग्रांजी यूज कर सकते हैं? अभी बैटरी की जगह डीसी जो बैटरी है उसकी जगह? नो, वी कैन नॉट यूज लैग्रांजी सेल बिकॉज इट डज नॉट गिव कांस्टेंट करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं करता है तो लैग्रांजी सेल हम नहीं यूज कर सकते हैं. व्हाई द स्टुअर्ट गी टाइप कैलोमीटर इज कॉल्ड टेंजेंट कैलोमीटर? तो जो स्टुअर्ट गी टाइप जो हमारा एपरेटस है उसका नाम है उसको हम टेंजेंट कैलोमीटर क्यों कहते हैं?
It is called tangent galvanometer because working of this galvanometer is based upon tangent law. और tangent law क्या है अभी मैंने previous slide में आपको बताया है. और ये last slide है variation of magnetic field की. What is point of inflection? जब हम graph plot करते हैं और graph में हम देखते हैं point of inflection देखते हैं और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कॉइल कहते हैं. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट ऑफ एक्स टेन थीटा कर्व वेयर द कंटिन्यूअस कर्व चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर और द पॉइंट एट विच द कर्व चेंजेस इट्स साइन आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कॉइल. दो जो हमारा ये कर्व है उसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कॉइल कहते हैं. तो याद होगा इस तरीके का कर्व आपको मिलता है, बल्कि इसमें भी और कुछ इस तरीके का. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है यहाँ पे आके. तो हम एंड में आ चुके हैं, वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं. बाय बाय, पढ़ते रहिए. कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और पढ़ते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.